नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक के इस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे उस स्थिति की जिस स्थिति में आप बहुत सारे लोगों को दफ्तर में देखते होंगे या चलने में देखते होंगे, और वह स्थिति है नींद। नींद उन्हें आती तो है, लेकिन नींद उन्हें दिन में आती है, रात भर वो जागते हैं। अगर यह कंडीशन हो तो इस कंडीशन को जो साइंटिफिक टर्म है वह है नार्कोलेप्सी, और नींद का जो कैटेगरीशन है वो कहते हैं कैट मैप स्लीप, कि मरीज रात में जागता है और दिन में सोता है। यह एक बड़ी ही एनॉइंग सिचुएशन होती है उस व्यक्ति के लिए जो कहीं नौकरी कर रहा है, कहीं काम कर रहा है, कहीं पे वर्क कर रहा है, जॉब कर रहा है। लेकिन अगर आप में आप देखते हैं अपने में ऐसे कि दिन में आप जागते हैं, सोते हैं और रात में आप जागते हैं, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवाएं हैं, वो दवाएं जो आपको रात में सुलाएंगी बढ़िया से और दिन में जगाएंगी। हम आपको बताएंगे ऐसी 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं। सबसे पहले साथियों जान लेते हैं नार्कोलेप्सी होती क्या है। नार्कोलेप्सी यानी कि रात में जागना, दिन में सोना और ड्राउजी और डलनेस बनी रहना। नार्कोलेप्सी वह कंडीशन होती है साथियों जिसमें कि पेशेंट जो है वह रात भर जागता है और दिन में सोता है। नॉर्मली यह आपको एहसास नहीं होता है, लेकिन यह छोटी बात नहीं होती, यह एक बड़ी बीमारी होती है। आपको यह बताना चाहता हूँ क्योंकि वक्त के साथ साथियों क्या होता है कि आपकी मसल टोन भी ख़त्म होने लगती है। जो लोग रात में बहुत ज़्यादा जागते हैं उनको दिन में बहुत नींद आती है, उनकी मसल की टोनिसिटी लॉस होने लगती है, जिसको कि कैटाप्लेक्सी कहते हैं। तो अब दो स्थितियाँ हो गई साथियों। पहली हो गई नार्कोलेप्सी, जिसमें आपकी मस्कुलर टोन का लॉस नहीं है, यानी कि आपको नींद तो दिन में आ रही है लेकिन आपके मसल्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, उसकी वर्किंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो होती है नार्कोप्लेक्सी 1। और जिसमें साथ में कैटाप्लेक्सी जिन लोगों में हो जाती है, यानी उनकी मसल टोन भी चली जाती है, उनकी वॉइस भी गड़बड़ा जाती है, उनका मतलब चलने फिरने में भी दिक्कत होने लगती, झूमने लगते हैं, उसको कहते हैं नार्कोलेप्सी 2, यानी नार्कोलेप्सी विद कैटाप्लेक्सी। यह एक खतरनाक मेडिकल कंडीशन होती है क्योंकि आप इसमें डेटोरिएट होते जाते हैं। तो अगर हम लोग नार्कोलेप्सी 1 में ही अपने को कंट्रोल कर लें, आज मैं उसी की आपको कारगर दवाएं बताऊंगा, तो आपको नार्कोप्लेक्सी 2 तक नहीं जाना पड़ेगा और अपनी मेहनत की कमाई का पैसा हमको या किसी और भी डॉक्टर को नहीं देना पड़ेगा। बात कर लेते हैं साथियों सिम्टम्स की नार्कोलेप्सी का। जैसे मैंने बताया, सबसे बड़ा सिम्टम ये होता है व्यक्ति रात भर जाग रहा है और दिन भर झूम रहा है, सो रहा है, नींद में है, ड्राउजीनेस में, डिजीनेस में है। तो यह एक सिम्टम होता है। और एक सिम्टम साथियों तब होता है जब आपका मसल टोन लॉस होने लगता है, आपका जो आवाज़ है वो स्लर्ड हो जाती है, आवाज़ ठीक से निकल नहीं पाती, आपका मूवमेंट स्लो हो जाता है, रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है, यह सब होते हैं। तो यह कैटाप्लेक्सी जुड़ जाती है, तो यह भी एक तरह की नार्कोलेप्सी ही होती है। साथियों नार्कोलेप्सी के कारण, नार्कोलेप्सी का कारण साथियों एग्जैक्ट कॉज अननोन है, लेकिन जो आज तक की रिसर्च कहती है वह यह कहती है कि हमारे ब्रेन में एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है हाइपोक्लेक्सिन। जब यह जो ट्रांसमीटर होता है, यह आपके स्लीप के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और जब आपके यह ट्रांसमीटर न्यूरोट्रांसमीटर का ब्रेन में प्रेजेंस में डिसबैलेंस हो जाता है, तो आपको यह नींद की समस्या आती है। कैटाप्लेक्सी में वाले पेशेंट्स में यह ज़्यादा होती है जब यह आपका हार्मोन ठीक से सिक्रीट नहीं हो पाता है। लेकिन साथियों समस्या है तो उसका समाधान भी है। अगर आप रात में जाग रहे हैं, दिन में सो रहे हैं, तो आपको रात में सुलाने और दिन में जगाने की यानी नॉर्मल कुदरती रूटीन पर लाने की कारगर होम्योपैथिक दवाएँ, हम आपको ऐसी 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएँ बताएँगे जो शायद आपके दिमाग में जो आपकी इस परेशानी को लेके जिसके लिए आपने यह वीडियो लॉगिन कर रहा है वह चल रहे हैं, उनसे आप बाहर आएंगे और आप स्वस्थ हो जाएंगे और नार्कोलेप्सी 2 तक नहीं पहुंचेंगे, नार्कोलेप्सी 1 में ही सही हो जाएंगे, ऐसा हमारा प्रयास है। एक बात बताना चाहेंगे साथियों, ज़रूरी बात है कि देखिए यह एक इमरजेंसी मेडिकल कंडीशन भी होती है कैटाप्लेक्सी, तो कोई भी दवा डॉक्टर की सलाह के ही लें, बिना उसके सलाह के दवा ना लें। हो सकता है आपको दवा सूट करे, हो सकता है दवा ना सूट करे, लेकिन कुशल चिकित्सक आपको सही राह दिखाएगा।
चलते हैं साथियों इस सफर पर, बताते हैं आपको नार्कोलेप्सी को खत्म करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं। साथियों नंबर एक दवा जो होम्योपैथी में आपके नार्कोलेप्सी की कंडीशन की है, यानी रात में जाग रहे हैं और दिन में सो रहे हैं इस कंडीशन की है, वहाँ है सल्फर। आप सल्फर 1 mg की 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर ले सकते हैं, या हर वो व्यक्ति ले सकता है जिसके कैट मैप स्लीप हो, यानी रात में वह जागता हो दिन में वह सोता हो, तो सल्फर उसकी ड्रग ऑफ द चॉइस है। इसको वीकली आप एक खुराक ले लें, आप देखेंगे कि आप रात में सोएंगे और दिन में जागेंगे। सल्फर का मरीज को साथियों आमतौर पर मीठा खाना बहुत पसंद होता है, नहाना उन्हें पसंद नहीं होता, स्वस्थ पड़े रहते हैं, थोड़े से डर्टी लुकिंग होते हैं। अगर आप किसी में यह सिम्टम देख रहे हैं तो उसके लिए बहुत कारगर दवा है सल्फर। आप यह दवा देकर उनको स्वस्थ कर सकते हैं, उनकी नींद को रेगुलेट कर सकते हैं, और हाइपोक्रेटिन नाम का जो केमिकल होता है न्यूरोट्रांसमीटर ब्रेन में, जिसके डिसबैलेंस सिक्रीशन से आपकी यह स्थिति होती है, उसका सिक्रीशन रेगुलर हो जाएगा और आप ठीक हो जाएंगे। एक साथियों बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम जो आपने देखा होगा, अक्सर आप सरकारी दफ्तरों में खास तौर से गए होंगे तो लोग कुर्सियों पर सोते मिले हों, बैठे बैठे सो गए। अगर यह स्थिति हो साथियों कि आपको इतनी नींद आती हो कि आप कुर्सी पर बैठे बैठे सो जाते हो, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है कालीब्रोमेटम। आप कालीब्रोम 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें। यह दवा आपके या जो बैठे बैठे सोने की दिन में कैफियत है इसको ख़त्म करेगी, रात में बढ़िया नींद लाएगी, और आपके एक जो बार बार बेइज्जती हो जाती है, आपके कोलीग और कस्टमर आपको कुछ कह देते हैं वह भी ठीक हो जाएगा, या आपका अधिकारी आपको कह देता है वह ठीक हो जाएगा, और आप बढ़िया दिन में काम करेंगे और रात में सोएंगे। एक स्थिति साथियों आती है कि रात में आप जागते हैं, और जागने का एक बहुत बड़ा कारण होता है कि आपका दम घुटने लगता है, आपको सफोकेशन महसूस होने लगता है, आपकी ब्रीदिंग यानी सांस फूलने लगती है। तो अगर यह स्थिति आप में है और आप रात भर जागते हैं इस कारण से, और फिर दिन में आपको नींद आती है, ड्राउजीनेस रहती है, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है अमोनियम कार्बोनिकम। आप अमोनियम कार 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार 1 हफ्ते तक ले सकते हैं। अगर आपकी यह स्थिति है, इससे आपकी सांस भी रेगुलेट होगी, ब्रीथिंग भी नॉर्मल होगी, और आपका यह रात का जागना भी बचेगा। अमोनियम कार्ब के साथ ही दो और बड़े अच्छे सिम्टम्स होते हैं। पहला ये कि अमोनियम कार्ब के मरीज को छींकें बहुत आती हैं, और दूसरा एपिटैक्सिस यानी नाक से खून आना। अमोनियम कार्ब ऐसी दवा है साथियों जिससे हम अपने क्लिनिक पर एक बूंद से सामने वाले मरीज जो बैठा है उसके हमेशा के लिए नाक से खून आना रोक देते हैं, या यह दवा रोक देती है। तो अमोनियम कार्ब बहुत अच्छी दवा है आपके ब्रीदिंग को रेगुलेशन करने के लिए, और रात में आपको गहरी नींद लाने के लिए। एक स्थिति साथियों आती है दिन में जब आपको ड्राउजीनेस आती है नार्कोलेप्सी में, तो आप कहो चलते चलते सो जाए, क्या स्थिति हो। अगर यह स्थिति है तो इसको ठीक करने की भी होम्योपैथी बहुत कारगर दवा है, और दवा का नाम है चेलिडोनियम मेजस। आप चेलिडोनियम का मदर टिंचर 10 बूंद सुबह शाम पी सकते हैं। अगर आपको दिन में इतनी ड्राउजीनेस आती हो कि आप चलते चलते सोने की स्थिति में आ जाते हो, तो आप चेलिडोनियम दवा लें। यह दवा आपके लीवर को भी मजबूत करेगी, इनफैक्ट यह किंग ऑफ लीवर है, और आपको ताकत देगी और दिन की ड्राउजीनेस आपकी खत्म करेगी। एक स्थिति साथियों आती है कि रात में तो आप जागते हैं, और दिन में जब आप खाना खाते हैं उसके बाद आप सो जाते हैं, या आपको अपना लंच लेने के बाद सोना ही सोना है, तो अगर यह स्थिति आप में हो तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा नेट्रम म्यूराटिकम है। आप नेट्रम म्यूर 1 mg की 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर वीकली ले सकते हैं। यदि आपको जरा सा खाना खाया और नींद आ गई, यह सिम्टम हो, खाने में आपको नमकीन ज़्यादा पसंद हो, और आपका चिड़चिड़ेपन का नेचर हो, तो नेट्रम म्यूर आपकी दवा है। यह दवा आपको पूर्णतया ठीक करके आपको सामान्य बनाएगी। फिर साथियों एक स्थिति आती, बहुत लोगों में जैसे ही लेटने गए उनका दम घुटने लगा, सफोकेशन होने लगा, वो जाग गए, और दिन में ऐसा नहीं होता है। तो अगर किसी के यह स्थिति हो कि रात में उनको सफोकेशन लगता हो सांस लेने में, और वह जाग जाते हो, लेटने से ही उठ जाते हो, और फिर डरते हो दोबारा लेटने से, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है, और दवा का नाम है कैडमियम सल्फुलेटम। कैडमियम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप ले सकते हैं, जो कि अगर आपको यह शिकायत हो।
यह दवा आपकी रेस्क्यू के लिए आएगी और आपको ठीक करके गहरी नींद दिलाएगी। एक स्थिति साथियों आ सकती है किसी के सामने कि दिन में उनको नौकरी में इतना ज़्यादा काम पड़ा, जब आप जॉब कर रहे हैं तो इतना ज़्यादा मेंटल लेबर है कि आप दिमागी तौर पर इतने थक जाते हैं कि रात में सो नहीं पाते। हम लोग आमतौर पर यह फ्रेज यूज़ करते हैं, साहब इतनी थकान आ गई दिन भर की रात में नींद भी नहीं आ रही है। तो अगर यह स्थिति हो साथियों तो इस स्थिति को ठीक करने की और दिन में आपको तरोताज़ा रखने की बहुत अच्छी दवा हायोसाइमस है। हायोसाइमस 200 नाइगर 200 पावर में दो दो बूंद दिन में 3 बार आप ले सकते हैं। अगर आप के दिन में इतना मेंटल एग्जर्शन हुआ हो कि आपको रात में नींद ना आती हो, हायोसाइमस के पेशेंट के थोड़ा सा लेसिवियस मेनिया होता है, यानी कि न्यूडिटी उसको पसंद होती है, एक ही बात को बार बार रिपीट करता है और दिन में वह सुस्त बना रहता है, तो हायोसाइमस आपको ठीक करके आपको चेतनता लाएगी। एक स्थिति साथियों आती है रात में नींद ना आने का कारण कि आपको लगता है आपकी धड़कन रुक जाएगी, आपको हार्ट डिजीजेज है, आपको दिल की बीमारियां हैं और आपको लगता है रात में सोए तो हम सुबह नहीं उठ पाएंगे, इसलिए आप रात में जागते फिर दिन में आप मजे से सोते या झूमते रहते हैं। तो अगर यह स्थिति हो, आपको डर लगता हो अपने हार्ट डिजीजेज को लेके और वापस पुनः इस दुनिया में न जागने को लेके सुबह, तो डर को ख़त्म करने की और रात में बढ़िया नींद दिलाने की बहुत कारगर दवा है डिजिटेलिस परपुरिया। आप डिजिटेलिस 200 पावर में दो दो बूंद दिन में 3 बार ले लें। यह दवा आपको बढ़िया साउंड स्लीप रात में देगी, आपकी हार्ट की कंप्लेंट्स को भी ठीक करेगी और आपके जीवन में खुशहाली लाएगी। एक स्थिति आती है साथियों किसी के सामने कि दिन में सोना ही सोना है, इररेसिस्टिबल डिज़ायर टू स्लीप इन द मॉर्निंग। तो अगर यह स्थिति आप में है कि आपको दिन में सोना ही सोना है, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है साइमेक्स। आप साइमेक्स 200 पावर में दो दो बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा आपको दिन में नींद आने की ख्वाहिश को ख़त्म करेगी और आपको रात में बढ़िया सुला के दिन में आपको फ्रेश बनाएगी। एक स्थिति साथियों आती है कि मरीज हर समय सोना चाहता है, पूरे दिन कोई काम ही नहीं करना चाहता। एक तो होती है आपको काम की ख्वाहिश हो और एक होती है आपको काम की भी ख्वाहिश नहीं, आप दिन भर पड़े हुए हैं, जिसे कहते हैं बड़े बुजुर्ग यूज करते हैं साहब, वो पड़े रहते हैं बिस्तर पे बस। तो अगर यह स्थिति हो साथियों तो आपके इस फ्रेश को ख़त्म करने के लिए इस लाइन से आपको बाहर करने की बहुत अच्छी दवा होम्योपैथी में इंडोल। आप इंडोल 30 दो दो बूंद दिन में 3 बार ले लें। यह दवा आपको इस स्थिति से निकालेगी कि आपके काम की भी अनिच्छा है और पड़े सोते रहते हैं, यह आपकी काम की इच्छा भी पैदा करेगी और आपको रात में बढ़िया सुला के दिन में आपको अलर्ट एक्टिव और तेज बनाएगी। एक स्थिति साथियों आती है कि शाम को आपको 5-6 बजे गुस्सा आया और फिर उसके बाद आप रात भर नहीं सोए, ऐसा आप में रोज हो रहा है कि शाम को आपको गुस्सा बहुत आता है और उसके आप रात भर नहीं सोते, फिर दिन में आप झूमते रहते हैं। तो अगर यह स्थिति आप में है तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा फास्फोरस है। आप फास्फोरस 1 EM की 3 खुराक वीकली ले सकते हैं या दे सकते हैं किसी को जो कि रात में शाम को गुस्सा करते हैं और रात भर ना सोते हों। फास्फोरस बाल झड़ने से रोकने की भी बहुत अच्छी दवा है और फास्फोरस के मरीज को ठंडी चीज़ें खाना बहुत पसंद होता है, बर्फ़ या इस तरह की चीज़ें खाना बहुत पसंद होता है, वह खाना भी बिल्कुल ठंडा करके खाता है। तो अगर आप में यह सिम्टम है तो फास्फोरस आपकी दवा है, आप फास्फोरस लेके स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। एक स्थिति रहती साथियों बहुत लोगों में कि वो रात के पहले पहर में तो सो लेते लेकिन बाद के पहर में जागते रहते हैं। तो अगर यह स्थिति हो कि आप रात में जल्दी सो जाते हो लेकिन 2 बजे रात में उठ जाते हो, फिर आप रात भर जागते रहते हो, फिर सुबह आपको नींद आती हो, तो अगर यह आपके साइकिल है नींद का तो इस साइकिल को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है काली कार्बोनिकम। आप काली कार 30 दो दो बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा आपके ये रात को जो 2 बजे के बाद नींद नहीं आती उसको नींद को लाएगी और आपको संतुष्ट करेगी। एक स्थिति आती है साथियों किसी के सामने आ सकती है नार्कोलेप्सी में, या जो रात में जागने और दिन में सोने की आदत है उसमें, कि व्यक्ति रात भर दुखी रहता है और रात भर जागता रहता है और सुबह उसको नींद आती है बढ़िया। तो अगर यह स्थिति आप में है तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है साइक्लामेन। आप साइक्लामेन 200 दो दो बूंद दिन में 3 बार हर वो व्यक्ति, आप या हर कोई व्यक्ति ले सकता है जिसको कि रात भर दुखी रहता हो,
उसकी आंखों के नीचे काले घेरे हों, रात भर वो जागता हो और दिन में वो सोता हो। एक स्थिति आती है साथियों आपको रात में नींद आने की, रात में आपकी सारी सोच और तकलीफें बढ़ जाती हों। तो अगर यह स्थिति हो कि रात में आपकी सोने के बाद आप सारी आपके जज्बात, सारी तकलीफें, सारे विचार आपके मन में आने लगते हैं और आप जग जाते हो, रात भर न सो पाते हो, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है लिकेसिस। आप लिकेसिस 1 mg की 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर आप या हर कोई व्यक्ति ले सकता है जिसको रात में सोने के बाद तकलीफें बढ़ती हों और उसे जागना पड़ता हो, उसे अपने सारे विचार रात में याद आ जाते हों, वह विचार उसको रात भर सोने ना देते हों। लिकेसिस का मरीज साथियों नॉर्मली उसकी टंग में ब्लू टिंट आपको मिलेगा और उसे बोलने की बहुत आदत होती है, बहुत टॉकेटिव होता है। तो अगर यह स्थितियाँ हों तो लिकेसिस आपको क्योर करने की दवा है, यह दवा आपको पूरी तरह ठीक करके आपको खुशहाल बनाएगी। एक साथियों स्थिति आती है किसी मरीज को आ सकती है कि रात में सोए और सांस रुकी, ये स्थिति होती है, बड़ी कॉमन स्थिति है और इस स्थिति को निपटने की बहुत कारगर दवा होम्योपैथी में ओपियम। आप ओपियम 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा आपको रात में सोने के बाद जो दम घुटने की स्थिति है उसको ठीक करके आपको फिट कर देगी। एक स्थिति साथियों किसी के सामने आ सकती है कि रात में लेटे तो सारी तकलीफें बढ़ गई सांस से रिलेटेड। तो अगर आपका रेस्पिरेटरी सिम्टम्स लेटने पे रात में बढ़ते हों, आपको सोने ना देते हों और सुबह आप कंफर्टेबली फिर सोते हों, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है स्पॉन्जिया। आप स्पॉन्जिया 32 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा आपके सिम्टम को ठीक करेगी, नॉर्मल करेगी और आपके रेस्पिरेटरी सिम्टम्स को भी ठीक करके आपको रात में बढ़िया नींद दिलाएगी। ये साथियों कुछ दवाएं थी नार्कोलेप्सी की, यानी रात में जागने और दिन में सोने की समस्या को खत्म करने की। अगर आपके मन में साथियों कोई क्वेरी हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अपनी क्वेरी व्हाट्सएप कर सकते हैं, नीचे नोटिफिकेशन पैनल में दिया गया है, या फिर आप YouTube नोटिफिकेशन में अपनी क्वेरी को लिख सकते हैं। एक चीज़ साथियों बता दें, नार्कोलेप्सी का जो नार्कोलेप्सी 2 होता है यह एक खतरनाक स्टेज होती है जिसमें कैटाप्लेक्सी जुड़ी होती है, जो हमने आपको इस वीडियो में बताया। इसलिए आप कोई भी दवा, इस तरह का आपको सिम्टम्स आए तो डॉक्टर से पूछ के प्रिस्क्राइब करा के ही दवा लें। वीडियो साथियों अगर आपको लाभकारी लगा हो इस समाज के लिए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और उसे सब्सक्राइब कराने को प्रेरित कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करके हमारा सबसे पहले सबसे नया वीडियो प्राप्त करते रहिएगा। आपका साथियों हमारे साथ इतनी देर रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।